तो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। तो डोमिनर परचेस किए हम लोग को ऑलमोस्ट अ ईयर हो गए और काफ़ी सारी राइड्स हम लोग ने मारा, लॉन्ग टूर मारा, शॉर्ट डिस्टेंस की राइड्स मारा। तो काफ़ी लोगों के ये मन में डाउट रहता जब वो आप लोग में से नया बाइक लेते हैं कि मैं उस गाड़ी पे क्या क्या मॉडिफिकेशन कराऊँ, क्या क्या चीज़ें उस पर एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाऊँ जिससे हम लोग लॉन्ग ट्रिप पर जा सकूँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी पे ही बात करेंगे। फिलहाल हम लोग पार्किंग से थोड़ा दूर आ गए हैं, हम लोग आए हैं आरे में क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहता था। तो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ से रिगार्डिंग बात करें। तो गाइस देखो, सबसे पहले आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अपने को ना ये रैक कैरियर चाहिए रहता है, क्योंकि अगर आपके पास रैक कैरियर नहीं रहेगा तो आप जो है बैग जो है इजीली उस पर रख नहीं पाओगे, क्योंकि लॉन्ग टूर के लिए आपको जो है बैग रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो और उसके बाद ये फिर साइडल रैक भी आपको रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि इससे जो है साइड बैग को प्रोटेक्शन रहता है। ये जो हम लोग ने इस पर इंस्टॉल किया था, ये हमारा था सह्याद्री से, और इसका कॉस्ट मुझे कुछ अराउंड आया था 5600। उसमें मुझे सैडल रैक और पीछे का रैक जो है इंस्टॉल करके दिया था। देन उसके बाद ये जो ऊपर का आपको एक टॉप रैक दिख रहा है, ये टॉप रैक गाइस ये है ASG का, जो कि मैंने 32 लीटर की टाकी इस पर बिठाई हुई है उसका है। तो ये एक्स्ट्रा आएगा और ये आई थिंक यूनिवर्सल है, ये हर एक चीज़ों पे, हर एक जो बोलते हैं ना ये पीछे का रैक उस पर बैठ जाता है और बहुत ईजी है इंस्टॉल करना। आप देख लो सकते हो कि मैंने इसमें से वो जो है ASG का टैंक बैग निकाल के रखा है, मैं जब चाहूँ तब यहाँ पर लगा सकता हूँ। टॉप रैक बोलते हैं जिसको, टैंक बैग नहीं बोलते। तो वो निकाल के रखा, आप जब चाहो तब यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद मैंने जो इंस्टॉल कराया था, और ये अगर मैं ASG की इसकी बात करूँ तो ये रैक का कॉस्ट है कुछ अराउंड गाइस 4500 जो है 32 लीटर का रहेगा, और वो काफ़ी मस्त चीज़ है, एकदम इजीली आपको मिल जाती है यार उतने कॉस्ट में। तो अब एक बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा आपकी गाड़ी में इंपॉर्टेंट होती है, वो ये पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं जाना का क्रैश गार्ड। अगर ये क्रैश गार्ड की बात करें गाइस, तो ये जाना का ही लगवाना आप लोग क्रैश गार्ड, क्योंकि ये जाना के क्रैश गार्ड में आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ से अगर कुछ भी चीज़ सामने से उड़ के आती है ना तो आपके इंजन को प्रोटेक्ट करेगी। ये जो पार्ट होता है ना इंजन का, अगर आप दिखाओ ये वाला पार्ट देखो, तो इस पर अगर कोई भी हैवी चीज़ लगेगी ना, अगर आप ऑफ रोड एडवेंचर कर रहे हो तो ये फूट सकता है। तो अगर ये जाना का आप लगवाते हो तो उसमें प्रॉपर प्रोटेक्शन रहता है, और ये जो स्लाइडर रहता है ना बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा रहेगा कि लॉन्ग जो है स्लाइड करते, कभी कभी टॉप स्पीड में रहते, स्लाइड करते करते ज़्यादा दूर तक गाड़ी चली जाती है, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। रिसेंट में मेरे साथ भी हुआ था, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा रहेगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा रहेगा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो गाइस, आप लोग और लगवा सकते हो। उसके बाद जो है आप लोग एक ये भी लगा सकते हो, इसका उतना प्रोटेक्शन नहीं है, आपको एक दूसरी कंपनी का आता है, ये लोकल है, मैंने जैसे ऐसे लगवा के रखा है, क्योंकि कभी विंटर सीज़न में ना सामने से विंड बहुत ज़्यादा आता है जिसकी वजह से थोड़ा हाथ ठंडे पड़ जाते हैं ग्लव्स की वजह से। तो बस वही एक रीज़न था कि मैंने इसको लगा के रखा था। आप इसके अलावा आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हैं हैंडल बार रेजर, जो कि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरी हाइट इतनी इनफ है कि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ की, पर अगर आप लगवा लोगे तो आपको और ज़्यादा कंफर्ट रहेगा उस चीज़ में करने में। और ये जो विंडशील्ड है, जो हम लोग ने ये विंडशील्ड लगवाया था, तो पहले आपको पता होगा नंबर प्लेट यहाँ पर आता है इसका, ये जो नंबर प्लेट रहता है ना इसका यहाँ पर आता है। तो ये जो हम लोग को नंबर प्लेट, पहले आपको पता होगा कि नंबर प्लेट यहाँ आता है गाइस, तो ये नंबर प्लेट यहाँ आने के चक्कर में ये विंडशील्ड हम लोग का लग नहीं रहा था, और यही विंडशील्ड हम लोग को थोड़ा सा सही लग रहा था इस पर। तो ये जो नंबर प्लेट हम लोग ने इसको नीचे लगवा दिया था, और ये भी हम लोग को जो है सह्याद्री से मिला था, इसका कॉस्ट कुछ अराउंड 650 आता है। सह्याद्री का लोकेशन अगर आप लोग को नहीं पता तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा सकते हो। बाकी जाना का तो आपको पता है, जाना का आपको मिल जाएगा मीरा रोड से, जो कि क्रॉस रोड बाइकर्स है। और ये विंडशील्ड हम लोग ने लगाया था आई थिंक चकाला से, जो कि जिसका कॉस्ट अराउंड 1300-1500 के आसपास आया था इंस्टॉलेशन चार्जेस के साथ। उसके बाद फिर आप एक USB यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं जिसमें मोबाइल वाला है। फिलहाल ये वाला USB मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही पोअर क्वालिटी का है, मैं भी इसको चेंज कराने वाला हूँ। तो एक जो दूसरा आता है उसको आप जो लगा ले, आई थिंक सो कार्बन बाइक राइडर्स के वेबसाइट्स पे आपको दिख जाएगा, फिर उनके जो है इंस्टाग्राम हैंडल पे दिख जाएगा, आप वहाँ से करवा सकते हो। तो ओवरऑल अब तक अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने इतना ही मॉडिफिकेशन कराया है, और इतने मॉडिफिकेशन में मेरा अराउंड 20-25,000 के कॉस्ट आ चुके हैं। अब इसके अलावा और हम लोग क्या करा सकते हैं, हम लोग सैडल साइड का जो है रैक लगवा सकते हैं, जो भी आते हैं ना ASG के रैक्स हो सकते हैं, वो भी काफ़ी कॉस्टली रहेगी, जिनका कॉस्ट अराउंड 30-50,000 रहता है। तो अगर आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टूर करना है बहुत सारे लगेज के साथ, तो आप वो वाला लगवा सकते हो। बाकी गाइस डिपेंड करता है, आप जितना भी मॉडिफिकेशन करवाओगे वो कम है,
क्योंकि अपने को कैसा गाड़ी में कितना भी कुछ करवा ले अपने को कमी लगता है, तो डिपेंड करता है हम कितना कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग ट्रिप मारना है तो इतना सारा सामान लेके जाना है, फिर उतना हमें लगेज उठाना भी है, तो जितना कुछ आप इस पर मॉडिफाई कराओगे उतना ही आपकी गाड़ी का वेट बढ़ता जाएगा। तो बाकी सब आप सोच समझ के कराएं, बाकी इतना नॉर्मल भी आप कॉस्टिंग अगर ये इतना भी कराते हो आप नॉर्मल, तो इसका कॉस्ट आपको 20-25,000 आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड गाइस, ये वीडियो में आपको वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे जो आपको थोड़ा बहुत लग रहे थे कि क्या क्या मुझे मॉडिफाई कराना चाहिए, एंड शायद मैं वो क्वेश्चन के आंसर दे पा रहूँगा। अगर कोई और डाउट है आपका इसके अलावा तो गाइस कमेंट करो डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।